हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप रेडीमेड अकाउंट फायर्स ऐप में तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव मार्केट में फायर्स एप्लीकेशन में डिलीवरी में स्टॉक बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप फायर्स के एप्लीकेशन में डिलीवरी ट्रेडिंग करना स्टेप बाय स्टेप सीख सकें और आसानी से आप अपना स्टॉक होल्ड करके प्रॉफिट कमा सकें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में फायर्स एप्लीकेशन को लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप ऊपर की ओर निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सारा स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने अपने नाम से एक वॉचलिस्ट बनाकर रखा हुआ है जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको वॉचलिस्ट बनाना और उसमें स्टॉक्स ऐड करना नहीं आता है तो आप हमारे फायर्स एप्लीकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वॉचलिस्ट कैसे बनाएं और वॉचलिस्ट में स्टॉक्स कैसे रिमूव करें, कैसे ऐड करें, ये सारी चीज मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो वहां आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि वॉचलिस्ट ऐड करके उसमें स्टॉक्स कैसे ऐड करना है। तो अभी हम चलते हैं इस वीडियो पर। तो अभी हम आ जाते हैं, मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखा हुआ है। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को डिलीवरी में बाय करना है उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास एनएचपीसी के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है एनएससी की बीएससी। यहाँ पास आपको ऊपर में एनएससी और बीएससी दोनों ऑप्शंस मिल जाता है। तो दोस्तों, आप चाहते हैं तो एनएससी में भी खरीद सकते हैं, आप चाहते हैं तो बीएससी में भी खरीद सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपका मर्जी, आप जिसमें खरीदना चाहते हैं और न ही इसमें प्राइस का डिफरेंट होता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं चंद पैसों का ही डिफरेंस है प्राइस में। तो यहाँ पास मैं हमेशा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाई करता हूँ तो मैं यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आपको डिलीवरी बाई करना है तो यहाँ पास आपको ट्रेड की जगह इन्वेस्टर सेलेक्ट करना होगा। ट्रेड का मतलब होता है इंट्राडे, यहाँ पास नीचे में लिखा हुआ आप देख सकते हैं इंट्राडे मार्केट, और इन्वेस्ट का मतलब होता है डिलीवरी, कैश एंड कैरी। यहाँ पास सीएनसी मार्केट लिखा हुआ मतलब कैश एंड कैरी, आप उसको इन्वेस्ट मतलब डिलीवरी में आप बाय करेंगे और उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पास आप डिलीवरी का मतलब इन्वेस्ट में ही जाएगा, यहाँ पास आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत जगह डिलीवरी इंट्राडे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पास इन्वेस्ट का मतलब ही डिलीवरी है। यहाँ पास आप चेक कर लेना, सीएनसी मार्केट लिखा हुआ है मतलब की डिलीवरी है। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी की, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना कि आप कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। यहाँ पास बाय डिफॉल्ट एक क्वांटिटी सेलेक्ट है तो मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो यहाँ पास हमारा एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है तो वो सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद बारी आती है मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस। तो यहाँ पास हमारा मार्केट प्राइस पहले से टिक मार्क है, अगर आपको लिमिट प्राइस यहाँ पास लिखना है तो यहाँ पास मार्केट प्राइस को आप अनटिक करके यहाँ पास आप अपना मन पसंदीदा प्राइस लिख सकते हैं, मतलब जिस भी प्राइस में आपको बाय करना है उस प्राइस को आप यहाँ पास लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 105.08 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि करेक्ट 105 रुपया आएगा तब मैं इसको बाय करूंगा। तो यहां पर सब लिमिट प्राइस में 105 रुपया लिखकर बाय कर सकते हैं। 105 रुपये में आएगा तो आपका स्टॉक 105 रुपये में करेक्ट बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपका इमीडिएट बाय हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं आपको इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि लिमिट प्राइस में कभी कभी वेट करना पड़ जाता है। तो अभी मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर दूंगा, एकदम ही सिंपल डिलीवरी में स्टॉक बाय करना। तो यहाँ पास हमारा पोजिशन बन चुका है। अब मैं यहाँ पास पोजिशन में चले जाता हूँ। पोजिशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं ऊपर में बाई क्वांटिटी 1 सीएनसी करके लिखा हुआ है। सीएनसी का मतलब होता है डिलीवरी, कैश एंड कैरी। तो यहाँ पास हमारा डिलीवरी में एक क्वांटिटी में पोजीशन बन चुका है एनएचपीसी के स्टॉक्स में। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं यहाँ पास जो एलटीपी करके लिखा होता है वो करंट मार्केट प्राइस होता है, और यहाँ पास ऊपर में जो एवरेज प्राइस करके लिखा होता है वो हमारा बाइंग प्राइस होता है। तो इस प्रकार से हमारा डिलीवरी में पोजीशन बन चुका है। अब यहाँ पास अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, कल तक होल्ड करके रखता हूँ तो हमें यहाँ पास ये होल्डिंग में शो करने लगेगा, हमने आज ही बाय किया है इसलिए वो पोजीशन में शो कर रहा है। अगर मैं होल्ड करके रखूंगा तो वो होल्डिंग में आ जाएगा कल तक से। तो अभी हम पोजीशन में ही आ जाते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि डिलीवरी में बाय किए स्टॉक से मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर भी दिखाऊंगा, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मेरे पास एक ही स्टॉक्स है तो मैं इसी स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लूंगा। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक करना होगा। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, तो यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपका इन्वेस्ट इन्वेस्ट ही रहेगा, एनएससी का एनएससी रहेगा। क्वांटिटी में आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हम चाहते हैं सिर्फ 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी 1 ही है तो मैं इसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। उसके बाद बारी आती है कि स्टॉप लॉस प्राइस लगाना कैसे। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले मार्केट प्राइस को टिक कर लेना है और ट्रिगर प्राइस को टिक कर लेना है। तो यहाँ पास हमारे सामने एक लिमिट
प्राइस और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। अब स्टॉप लॉस आपको लगाना कैसे है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं NHPC का भी मार्केट प्राइस चल रहा है 104.98, मतलब 105 रुपए के समथिंग चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 103 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो यहाँ पास आपको 103 रुपए लिख लेना है लिमिट प्राइस में, क्यों, क्योंकि मैं 103 रुपए में सेल करने वाला हूँ। जब भी ये गिर कर 103 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा, तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 103 रुपए लिख लूंगा। अब यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो, स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपको ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा लिखना होता है। तो मैं यहाँ पास इसको 103 रुपए 10 पैसा लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 103 रुपए 10 पैसा। एकदम ही सिंपल है दोस्तों, सिंपली मैंने यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक किया, एग्जिट बटन में क्लिक करते ही मैं यहाँ पास ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली मार्केट प्राइस को टिक किया, ट्रिगर प्राइस को टिक किया, उसके बाद लिमिट प्राइस मैंने लिख लिया, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा करके लिख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पास सेल ऑर्डर पेंडिंग में क्लिक करूंगा तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे ऑर्डर पेंडिंग करके लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पास ऑर्डर में चले जाता हूँ, ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ओपन ऑर्डर 100 हो रहा है। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाता है तो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो करता है, जो कि हमने बाय किया था, जो एग्जीक्यूटेड हो चुका था सक्सेसफुली, वो यहाँ पास बाय क्वांटिटी 1 करके शो कर रहा है। अभी हमारा यहाँ पास सेल वाला ऑर्डर पेंडिंग है तो यहाँ पास वो ओपन में शो करेगा और पेंडिंग है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पास आप देख रहे हैं 103 रुपये में हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, मतलब जब भी इसका मार्केट प्राइस गिर कर 103 रुपये तक आएगा तब आपका यहाँ पास ये पोजिशन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते डिलीवरी में, तो एकदम ही सिंपल है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे करना है, आपको सिंपली सी ओपन ऑर्डर में आ जाना है। यहाँ पास आपको नीचे में ऑर्डर में आ जाना है, ऑर्डर में आने के बाद अब यहाँ पास ओपन ऑर्डर में आ जाना। अब आपको जिस भी ओपन ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पास को प्राइस को मॉडिफाइड कर लेना है। अब जैसे कि मैंने पहले इसको 103 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी 102 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास 103 को 102 रुपए लिख लूंगा। तो मैंने यहाँ पास एक लिमिट प्राइस को 102 रुपए लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, तो मैं इसको भी 102 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ, उसके बाद सिंपली मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पास फिर से ऑर्डर में चले जाता हूँ, ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख लेना पहले हमारा 103 रुपए के लिए लगा हुआ था, वो अब 102 रुपए के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे स्टॉप लॉस को भी कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पास आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली इसे ओपन ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी ओपन ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको डिलीट बटन में क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको कन्फर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर शो नहीं कर रहे, आप देख रहे पहले हमारे सामने ओपन ऑर्डर 100 कर रहा था, वो आप ओपन ऑर्डर शो नहीं कर रहे। वहीं अगर मैं आपस एग्जीक्यूटेड में जाऊंगा तो वहां पर सक्सेसफुल की जगह कैंसिल करके लिखा होगा। तो अब यहाँ पास हम देख रहे हैं जो सेल के लिए मैंने यहाँ पास 1 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 103 रुपए 10 पैसे में, वो अब यहाँ पास कैंसिल करके शो हो रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाना, उसको मॉडिफाइड करना, उसके बाद कैंसिल करना। अब मैंने आपको बोला था कि डिलीवरी में बाई के स्टॉक्स को मैं आपको अंत में सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पास नीचे की ओर पोर्टफोलियो में चले जाना है, पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको पोजिशन में आ जाना है। अब आप जिस भी पोजिशन को सेल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पास आपको एग्जिट बटन में क्लिक कर लेना है। अब आपका सेल करने के लिए एकदम ही नॉर्मल प्रोसेस करना है। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपली आपको क्वांटिटी चेंज कर लेना है कि कितनी क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। मेरे पास तो एक ही क्वांटिटी था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है, उसके बाद आपको यहाँ पास सिंपली कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पास आपको सेल बटन में क्लिक करते हैं आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस को टिक करके लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं, लेकिन उस लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है। और अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल नहीं करना चाहते, आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आपको एग्जिट बटन में क्लिक करना है और सिंपली सेल क्वांटिटी में क्लिक कर देना है तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पास पोजीशन में चले जाता हूँ, पोजीशन में आने के बाद अब आप यहाँ पास देख रहे हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास स्क्वायर अप हो चुका है। यहाँ पास पहले क्वांटिटी 1 लिखा हुआ था सीएनसी में, अब वो क्वांटिटी 0 लिखा हुआ है सीएनसी करके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पास आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अगर आप यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में आएंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं सेल सक्सेसफुल करके लिखा हुआ है, और यहाँ पास नीचे में सेल कैंसिल करके लिखा हुआ दिख रहा है, वो हमने जो स्टॉप लॉस लगाकर कैंसिल किया था वो है, और हमने जो पहले बाय किया था वो यहाँ पास सक्सेसफुल था, वो अब हमने यहाँ पास सेल कर दिया, वो भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर सेल भी करके दिखा दिया है। तो अगर आपको वीडियो को लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।